हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कैसे हो, किन छो। तो आज हम चल रहे हैं किचन में कुछ मीठा बनाने के लिए, ऐसा मीठा जो रियली डिफरेंट होगा। तो चलो आज हम देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं कैबेज की खीर। तो कैबेज की खीर के लिए क्या चाहिए आपको? कैबेज मैंने बारीक बारीक काटा है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हो। और दूध चाहिए, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा चाहिए, घी, इलायची पाउडर और काजू जाम, जो भी नट्स आप डालना चाहोगे। तो चलो हम चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। पहले हम घी डालते हैं, पैन लिया है, गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, एक दो कड़छी के हिसाब से। हम डालेंगे, जैसे घी गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे कैबेज को। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, हम इसको घी में अच्छी तरह भूनेंगे हाई करके। जब तक ये पूरा सॉफ्ट नहीं होगी तब तक हम इसे भूनेंगे। कम हो गई है, थोड़ी रोस्टेड जैसे भी हो गई है। अभी हम इस स्टेज में इलायची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और किशमिश डालेंगे। इसको एक 5-10 मिनट करेंगे ताकि इलायची अपनी अच्छी खुशबू छोड़ दे। हम इसमें एक आधा कटोरी चीनी डालेंगे, आधा कटोरी चीनी। इसको थोड़ा सा, जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। छोड़ने लग गया है तो अभी इसमें हम आधा लीटर दूध डाल देंगे, आधा लीटर दूध डाल देंगे। तो उबलेगा, उबाल में आएगा तो हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे क्या होता है, कम दूध में अच्छी थिक खीर बन जाती है। कॉर्नफ्लावर डालने से आपको बहुत दूध गाढ़ना और सब नहीं होता, आपका दूध उबला हुआ है तो थोड़े से कम दूध में खीर बन जाती है। देखो उबल रहा है, ये उबल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर इस पानी में डाल के, कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके इसमें डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी थिक हो जाएगी और आपका कम दूध में खीर बन जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करते जाएंगे। अब देखिए कितनी थिक हो गई है, वाओ, कैबेज की खीर, यम्मी। इसको 10 मिनट और करेंगे। ये होता है हलवाइयों का स्टाइल, जो मुझे भी बहुत साल तक नहीं मालूम था। अभी हमने गैस ऑफ कर दी और देखो कितनी बढ़िया खीर। चलो हम इसको सर्विंग प्लेट में डालते। देखो यम कैबेज की खीर। आप आधा स्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो। कस्टर्ड क्या होता है, वो फ्लेवर्ड कॉर्नफ्लावर होता है, तो इसके लिए वो थिकनिंग एजेंट होता है। तो देखो चलो अभी हम डेकोरेट करते हैं कैबेज की खीर। वाव, तो कितना सुंदर है। चलो इसको हम खा के देखते हैं, इसे लेते हैं इधर से।
गर्मा गर्म है। आपको लगेगा कि कैबेज खा रहे, कैबेज की खीर बनी है, उसका पर्टिकुलर थोड़ा सा हिंट आएगा। तो इट्स यम, इट्स लाइक है जैसे कोई खीर है, कस्टर्ड में कैबेज है, बहुत ही यम है। और इलायची ऐसे लग रहा है कोई डेजर्ट खा रहे हैं, इंडियन डेजर्ट, बहुत यम है। जरूर बनाइए कैबेज की खीर, यम। प्लीज एवरीबडी ट्राई दिस, इट इज यम, मस्ट ट्राई डिश। थैंक यू सो मच।